प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या? हम लोग अभी के अभी पोपट भाई को मूर्ति माँ के पास ले जाते हैं, वही कोई उपाय बता सकती है। पर इस वक्त किसी के पास ले जाना ठीक थोड़ी होगा, सुबह ले जाते हैं ना। अरे लेकिन सुबह तक चिंता में पोपट भाई को नगरी नारायण कुछ हो गया तो, और सुबह तक पोपट लाल भाई यूं ही फड़फड़ाते रहेंगे। ठीक है चलो फिर लेके चलते मूर्ति माँ के पास। चलो इस वक्त रिक्शा कहाँ मिलेगी? अरे भाई तो सोडी है ना, सोडी को जगाते हैं, उसकी जीप में जाते हैं। लगा लगा फोन लगा सोडी को। हाँ करता हूँ। रोशन, रोशन बोल तो नहीं है? भुकुटाई जी फोन बज रहा है, उचक नहीं बाबा, फोन फोन। रात को पिड़ू का फोन? हाँ पिड़ू बोल। हाँ सोड़ी तू जल्दी से कंपाउंड में आ जा नीचे। इस समय पार्टी शार्टी करने जाना है? इसको इस वक्त भी पार्टी शार्टी सूझ रही है। अरे भाई कोई पार्टी शार्टी में नहीं जाना है भाई। तो फिर क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? नहीं नहीं मी ठंडी थे, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, पोपटलाल की तबीयत खराब है, उसको अभी मुक्ति माँ के पास लेके जाना है। किसकी माँ के पास ले जाना है? किसी के माँ के पास नहीं ले जाना है सोड़ी, मुक्ति माँ के पास ले जाना है। तू भाई कंपाउंड में नीचे आ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पर हाँ आते वक्त जीप की चाबी लेके आना। हाँ वो तो ले आऊंगा, चल मिलता हूँ दो मिनट में। हाँ हाँ सुठे रोशन। ओ रोशन, ओ पोपू की तबीयत खराब हो गई है, उसको मुक्ति माँ के पास ले जाना। किसकी माँ के पास ले जाना है? वो है किसी की माँ। और सुन सोनी है, वहाँ कोई अगर गड़बड़ होगी ना तो मैं तेरे को फोन करके बता दूंगा। अपना गोगी पुत्र का ख्याल रखना। वो भी पूछ रहा था किसकी माँ? हाँ ये मुक्ति माँ किसी के समझ में ही नहीं आ रही है। वो आ रहे, चल चल चलिए। अरे दया सबको आने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ जी तुम भी यहीं रुको, हम लोग आते हैं। चल चल चल। पोपट भाई आप हिम्मत रखना, कुछ नहीं होगा, हम माता जी से प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ और मुक्ति माँ के अंतस्पूर्णा से जरूर कुछ न कुछ उपाय मिल जाएगा। अरे भाई चलो अभी ध्यान से। हाँ पप्पू तू डर मत, और तेरे बुरे वक्त को तुझ तक आने से पहले तेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी से टकराना पड़ेगा। अरे भाई सोडी बुरा वक्त वक्त होता है, कोई आदमी नहीं होता जिससे तू टकरा जाएगा। वो उत्साही तो अभी टकराने की बातें छोड़, और हम सबको इस जीप में बिना टकराए आश्रम तक लेके चल। हाँ ताकि ये पोपट लाल के प्रॉब्लम का कुछ हल मिले और हम लोग सब अपने अपने घर जाके चैन से सो सके। चलो भाई चलो जल्दी चलो, मुक्ति भाई मुझे बचा सकती है, चलो 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 जल्दी चलो। चलो हो गई बुरे वक्त की शुरुआत, जीप ही स्टार्ट नहीं हो रही। वो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टार्टर में थोड़ी सी खराबी चल रही है, अभी देख स्टार्ट हो जाएगी। तो यारो थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा। हाँ उसमें क्या, चलो मारते में धक्का मारना ही है, जोर लगा के चलो चलो जोर लगा के जोर लगा के। अरे स्टार्ट तो कर भाई, जोर लगा के। आजा भाई आजा आजा। अरे यार तू भी
चलो भाई चलो। सोड़ी रुक रुक सोड़ी, जीप आगे मत बढ़ाना, रुक रुक रुक। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? चलो बाबा अब शकुन, बिल्ली ने रास्ता काटा, मतलब पक्का कुछ बुरा होगा, जीप का एक्सीडेंट होगा। उतरो 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 उतरो, चलो 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 चलो। क्यों चलो, क्या हो गया भाई? ये पोपट ने नस्तर लगाया ना, अभी जरूर जीप का एक्सीडेंट होगा। ओए पिडो, और जो गड्डी रोशन सिंह सोडी चलाता ना, उसका एक्सीडेंट नहीं होता। और भिड़े तुम भी कैसी बातें सोचते हो भाई, ये सब अंधविश्वास है, कोई बिल्ली का रास्ता काटने से एक्सीडेंट होता है? एक मिनट एक मिनट पोपटलाल, ये बताओ बिल्ली यहाँ से ऐसे गई कि यहाँ से ऐसे गई? यहाँ से ऐसे, मतलब बाएं से दाएं? हाँ। अरे फिर तो तुम्हारा लाभ होगा भाई, हमारे गुजराती में कहावत है, डाबे थी जमनी लाभ करे बमनी। मतलब? मतलब लाभ होगा वो भी दुगना। अच्छा? हाँ? तो चलो चलो भाई, चलो भाई बोला ना लाभ करे बमनी। जीप आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ, क्या हो गया? शायद सुनिए सुनाइए इरशाद, अभी वो ऊपर शेर सुनाएगा। बोबू शेर सुनाएगा? ओ सुना अभी सुना। वाह 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 वाह। फिर संपला हो गया, चलो चलो भाई चलो। उठी चलो, ओ मैंने तो शेर समझ ही नहीं आया। अरे भाई बात शेर की नहीं कुत्ते की है। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो, बहुत बड़ा संकट आने वाला है जब कुत्ता रोता है तब। अब कुछ नहीं होता बोबटलाल, चलो भाई चलो सोड़ी। कुत्ते के रोने की आवाज सुनो, हद करते हो यार, चलो भाई। क्या हुआ भाई, अबे क्या हुआ? वो हुन क्यों हो गया? बिजली कड़क रही है, ये बिजली मुझ पर गिर गई तो। अरे भाई बिजली के इतने बुरे दिन नहीं कि वो तुम पे गिरे। अरे बुरे दिन तो हमारे हैं पोपटलाल, कि रात के इस वक्त हम तुमको मुक्ति माँ के आश्रम लेके जा रहे हैं। चलो भाई सोड़ी, और अब कहीं मत रुकना प्लीज। है? वो मुक्ति माँ के आश्रम भी नहीं? अरे भाई वहाँ तो चल ही रहे ना सोड़ी। मैं तो मजाक कर रहा था। इसको मजाक सूझ रहा है। इधर है दरवाजा भाई। अरे आओ भाई, कुछ नहीं होगा पोपटलाल, आओ यार। अरे आओ जल्दी आओ भाई। पोपट भाई अच्छा हुआ आप आ गए। पोपट भाई, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, मुक्ति माँ, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए मुझे। अरे खड़े हो जाइए, उठिए, मुझ पर क्या बड़ा संकट आने वाला है मुक्ति माँ, मैं सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। पोपट भाई हम लोग कब से आपको फोन कर रहे थे लेकिन आपका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ वो इसलिए क्योंकि उसका फोन गिरकर टूट गया है, इसलिए आपका फोन नहीं लग रहा है। ओह, हम सुबह जल्द ही गोकुल धाम आने वाले थे पोपट भाई से मिलने। माफ कीजिए, इस वक्त किसी के यहाँ भी जाना वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि आना पड़ा। जब से आपने कहा है ना कि इसका बुरा समय आने वाला है, असल में हम सबका बुरा समय आ गया और इसको संभालना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, इसके दिमाग के कार्बोरेटर में कचरा फंस गया, और जी इसको फर्स्ट क्लास निकाल दीजिए और इसकी टेंशन जो है ना वो दूर कर दीजिए। हाँ मुक्ति माँ मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना मतलब आप पोपट लाल को उसके बुरे वक्त से नहीं बचाएंगे? हाँ ये तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी मरीज को डॉक्टर कहे कि भाई तुम्हें बुखार है लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगा। ऐसा मत कीजिए मुक्ति माँ, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। पोपट भाई माफ करने से मेरा मतलब है कि मुझसे गलती हो गई। गलती? कैसे गलती?
वो दरअसल पोपट भाई, जो मुझे आत्मानुभूति हुई थी बुरा वक्त आने की, वो आपके लिए नहीं पुखराज भाई के लिए थी। पुखराज? कौन पुखराज? को मुक्ति माँ। पुखराज भाई आप आइए आइए। मुक्ति माँ, मुक्ति माँ आपने हमारी जान बचा ली। अरे अरे उठिए उठिए। मुक्ति माँ आपकी वजह से हम सही सलामत हैं। मेरी नहीं, ईश्वर की कृपा से। कैसे पोखराज भाई? अभी हम रात को पुणे से अपनी कार में 100 की स्पीड में घर आ रहे थे, तभी मुक्ति माँ का फोन आया। सावधान, आपके ऊपर बड़ा संकट आने वाला है, संभल के रहिएगा। मैंने तुरंत अपनी कार की स्पीड 100 से घटाकर सीधी 20 पर कर दी। पापा जी। कार की स्पीड कम करके आप बच कैसे गए समझ में नहीं आया। रोड पर टैंकर का ऑयल पड़ा हुआ था, 20 की स्पीड में भी हमारी कार फिसल कर सड़क से नीचे उतर गई। सोचिए अगर 100 की स्पीड होती तो हमारा क्या होता? भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। हम बच गए मुक्ति माँ। इसका मतलब है मुक्ति माँ मुझ पर भी कोई बड़ा संकट नहीं आएगा ना? अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि किस पर कौन सा वक्त आने वाला है? मुक्ति माँ एक बात समझ में नहीं आई, माफ कीजिए पूछ रहा हूँ कि भाई आपको आत्म अनुभूति इन श्रीमान जी के लिए हुई थी, लेकिन आपने टेलीफोन पोपटलाल को क्यों किया? यही तो मैं बताना चाहती हूँ। दरअसल वो फोन पोपट भाई के लिए नहीं पुखराज भाई के लिए था। जब मैं पुखराज भाई को फोन करने गई तो गलती से वो फोन पोपट भाई को लग गया, और जब मुझे ज्ञात हुआ कि पोपट भाई फोन पर हैं, इससे पहले मैं इनसे कोई भी बात कर सकूं, फोन कट हो गया। फिर हमने पोपट भाई को सच बताने के लिए कितने सारे फोन किए, मगर इनका फोन ही बंद आ रहा था। हाँ, वो एक्चुअली मैं बालकनी में आपसे फोन पर बात कर रहा था, तब एक बिल्ली की वजह से मेरा फोन गिर कर टूट गया। चलो जो हुआ सो हुआ, हम भले परेशान हुए लेकिन पोखराज भाई और इनकी पत्नी, आपकी पत्नी है ना, ये दोनों तब बच गए। देखा मेहता साहब, अब तो आप मानते हैं ना कि अंधविश्वास नहीं है। देखिए पोपट भाई, बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। मानो तो पत्थर में ईश्वर है, ना मानो तो मूर्ति पत्थर ही है। सबकी सोच अपनी जगह सही होती है। बिल्कुल ठीक है आपने मुक्ति माँ, और असल में जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास हो वहाँ पे बहस की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। मेहता साहब ये सब बातें छोड़िए ना, मुक्ति माँ आप तो ये बताइए कि आपको मेरी शादी के लिए आत्मस्मरण कब होगी? एक दिन में भी हो सकती है या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। अरे भाई पोपटलाल फिर वो शादी का राग अलाप रहे हो भाई। अरे जो शादी नहीं करता है वो भी दुखी है, और जो करता है वो भी दुखी है। अच्छा तो मुझे शादी करके दुखी होना है? मुझे शादी करनी है। तो ठीक है पोपटलाल, कर्म करते रहो जब तक लड़की नहीं मिल जाती। इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में लड़की मिल जाएगी। जेठालाल। अहो उठा चाहा आण लाय। सोने दो पोपटलाल। अहो पोपट भाऊजी नहीं, मैं हूँ माधवी, माधवी आत्माराम भिड़े। हाँ सॉरी सॉरी, ये पोपट लाल ने रात की नींद बिगाड़ के रख दी। कमाल है तुमची, इसमें बेचारे पोपट भाऊजी का क्या दोष? आधी रात को अगर किसी को भी फोन आया सावधान आप पे बड़ा संकट आने वाला है, तो कोई भी डर जाएगा ना। अगर आपको ऐसा फोन आया तो? फोन नहीं आया माधी, लेकिन संकट तो आ ही गया ना मुझ पर। सोनू गुड़े, वो पढ़ाई कर रही थी, उसकी रिफिल खत्म हो गई है तो रिफिल लाने गई है नीचे। अच्छा अच्छा, उसको पढ़ाई करने दो, वैसे भी कल पढ़ाई होगी नहीं क्योंकि कल जन्माष्टमी है। हाँ अब तो त्योहारों का मौसम शुरू होगा, नहीं रक्षाबंधन गई, कल जन्माष्टमी, 15 अगस्त, फिर ईद, फिर पतेती, फिर गणेशोत्सव, फिर नवरात्र, दिवाली चालू दे। बच्चा मी काय म्हणते, इस बार जन्माष्टमी की तैयारी के लिए टपूसेना आई नहीं? माधवी इससे पहले के टपूसेना मुझसे अगर कुछ बोले, मैंने जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। अरे वाह, माधवी इससे पहले के टपूसेना मुझसे अगर कुछ बोले, मैंने जन्माष्टमी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली। अरे वाह, यस का यस? हर बार टपूसेना मुझे आकर सरप्राइज देती है ना कि इस बार हमने ये तय कर लिया है, वो तय कर लिया है,
इस बार मैं टप्पू सेना को सरप्राइज देने वाला हूं। नहीं बालक, तुम्हारे भूतकाल का समय कहता है कि जब जब तुमने टिपेंद्र उर्फ टप्पू को सरप्राइज देने की चेष्टा की है, वही सरप्राइज तुम पर तीर बनकर वापस आया है। बालक, तुम पुराने जमाने में जीते हो, तो फिर क्यों पुराना इतिहास भूलकर पुरानी गलती फिर से दोहराने जा रहे हो बालक? माधवी देवी, इस आत्माराम की अंतरात्मा कहती है कि इस बार मैं सफलतापूर्वक टप्पू को सरप्राइज देकर चौंका दूंगा। बालक, तुम चौंका दोगे या टप्पू चौंका मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे सरप्राइज क्या है? ये भी वक्त ही बताएगा। हमेशा वो मुझे शौक देता है, इस बार मैं उसे शौक दूंगा। समझी माधवी देवी? सोड़ी, मैं आ रहा हूं। ये बालक टप्पू को सरप्राइज देने जा रहा है या सोड़ी भाई को? आहो बालक, आहो। काय कर कठिने भाई? भाई शिक्षक का काम है शिक्षा देना, लेकिन ये सरप्राइज देना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बुजुर्गों ने एक कहावत बड़ी अच्छी कही है कि जिसका काम उसी को साजे, और करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन भिड़े मास्टर यहाँ पे सरप्राइज देने वाले हैं, वो भी टप्पू को। टप्पू जो शरारत और मस्ती का मास्टर है, उसे पढ़ाई के मास्टर क्या शॉकिंग सरप्राइज देंगे भाई? ये देखने वाली बात होगी, पर मुझे तो लगता है इस प्रक्रिया में कहीं भिड़े सर के बल ना गिर जाए। कल गोकुल धाम में हर्षोल्लास होगा। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि भिड़े सर के बल गिर जाएंगे, इसलिए कल कृष्ण जन्मोत्सव है। एक दूसरे को आप सभी बधाई देंगे कृष्ण जन्मोत्सव की, हम भी देंगे बधाई। तो कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ बनेगा गोकुल धाम में, और ये सोचिए कि जब भिड़े टप्पू को देंगे शॉकिंग सरप्राइज, तब क्या होगा? देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.